आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन के बहुत ही स्वादिष्ट और दानेदार लड्डू। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लड्डू कितने दानेदार बने हैं। त्योहारों का सीजन चल रहा है और एक के बाद एक त्योहार आते ही जा रहे हैं, और अभी आने वाली है गणेश चतुर्थी। तो भाई गणेश चतुर्थी पे इस लड्डू को बनाना बनता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये बेसन के दानेदार लड्डू की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे इस वीडियो को आप लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो बेसन के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने नॉर्मल जो बेसन घर में हम इस्तेमाल करते हैं ना, बस वही वाला बेसन लिया है 2 कप। 1 कप भूरा लिया है, 1/2 कप घी, बाकी यहाँ पे मैंने थोड़े से खरबूज के बीज लिए हैं और 5-6 इलायची जिसको हमें कूट के डालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे भून लेंगे अपने खरबूज के बीज को। ये बहुत ही जल्दी भून जाते हैं, इनमें से चटकने की आवाज आने लगेगी और चटक कर ये फूल जाएंगे। इनका कलर बस थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन हो बस इन्हें आप कढ़ाई से या पैन से बाहर निकाल लेंगे। सेम पैन में हम डालेंगे घी। तो जितना हमने कटोरी में घी लिया था ना सारा डाल देंगे, सिर्फ 2 चम्मच बचा लेंगे। घी मेल्ट हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे बेसन। बेसन का स्वादिष्ट लड्डू बनाने के लिए इसमें घी का अनुपात बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। बेसन का लड्डू बनाते समय ना घी एक ही बार में ज्यादा नहीं डाल दें। हाँ, पहले आप उतना घी डालें जितने में लगे कि बेसन परफेक्ट आएगा। यहाँ पे मैंने शुरू में 2 चम्मच घी बचा लिया था। तो यहाँ पे देखिए बेसन बिल्कुल ड्राई सा लग रहा है, तो यहाँ पे जो 2 चम्मच घी था ना उसे भी हम डाल देंगे। फिर से भूनते रहेंगे इसी तरह से चलाते हुए। तो माप में हमने जो घी लिया था ना लड्डू बनाने के लिए वो घी हमने सारा डाल दिया है अभी। लेकिन यहाँ पे देखिए अभी भी बेसन थोड़ा ड्राई सा लग रहा है, तो यहाँ पे ऊपर से मैं इसमें 1 चम्मच घी और डाल रही हूँ। अब इसे हम फिर से इस तरह से चलाते हुए भूनेंगे, क्योंकि इसको हम जैसे जैसे भूनते जाते हैं ना तभी हमें पता चलता है कि इसमें और घी डालने की जरूरत पड़ेगी या नहीं। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के करीब घी और डाला है। अब फिर से इसे इस तरह से चलाते हुए हम भूनते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेसन जो है पूरी तरह से अच्छे से घी में लटपट है, तो अब हमें इसमें और घी डालने की जरूरत नहीं है, इसमें घी की मात्रा बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये देखिए बेसन की आधी भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। तो यहीं पर हम इसमें डालेंगे थोड़े से पानी के छींटे, जिससे क्या होगा ना कि बेसन जो है यहाँ पे दानेदार बनेगा, क्योंकि हम बारीक वाले बेसन के लड्डू बना रहे हैं ना। तो इसे दानेदार करने के लिए इस तरह से हम थोड़े से पानी के इसमें छींटे डालेंगे। तो लो फ्लेम पे इस तरह से चलाते हुए हम बेसन को तब तक भूनते रहेंगे ना जब तक इसका कलर हल्का सा ब्राउन ना हो जाए और इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। तो यहाँ पर देखिए बेसन का जो है पहले से कलर बदल चुका है, अभी ये ब्राउन हो चुका है और बहुत ही अच्छी सी अब इसमें से खुशबू भी आ रही है। तो अब क्या करना है कि गैस की फ्लेम को हमें बंद कर देना है, क्योंकि बेसन बिल्कुल अच्छी तरह से भुन चुका है। लेकिन अभी इसे हमें चलाना नहीं बंद करना है, थोड़ा इसे चलाएंगे 1.5 से 2 मिनट तक। यहाँ पे देखिए बारीक वाले बेसन का ही लड्डू हम बना रहे हैं, लेकिन देखने से बेसन लग रहा है ना कितना दानेदार। तो बस इसे चलाते हुए 1.5 से 2 मिनट में हम इसे ठंडा कर लेंगे। तो इस तरीके से बेसन का लड्डू बनाना बहुत ज्यादा आसान है। बस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और सारी चीजें अच्छे से फॉलो करते हुए इस लड्डू को बनाइए। बहुत ही परफेक्ट लड्डू बनाकर आप भी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम बेसन को पैन से निकालकर एक बड़ी सी प्लेट में रख देंगे इस तरह से ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये ठंडा होने के लिए मैंने रखा था, तो ये पूरी थाली में खुद से ही फैल गया है, सेट होने लगा था। लेकिन इसके हमें बनाने हैं लड्डू, तो इसको हम बीच में इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे भूरा और जो हमने खरबूज के बीज को भून के रखा था उसे डाल देंगे और इलायची, कुटी हुई इलायची डाल देंगे। सभी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने सारी चीजें अच्छे से मिला ली है और बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें किसी भी चीज की मात्रा ना ज्यादा है ना कम है, नहीं तो कभी कभी क्या होता है ना कि अगर हम ज्यादा भूरा मिला देते हैं तभी भी लड्डू नहीं बन पाता है, तो उसके बाद इसमें हमें घी मिलाना पड़ता है। तो यहाँ पर इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। चलिए अब बना लेते हैं इसके लड्डू। तो लड्डू आप अपने मन मुताबिक थोड़े से छोटे बड़े बना सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़े मीडियम साइज के लड्डू बना रही हूँ। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बनके तैयार हुए हैं। इसी तरीके से हम फटाफट से सभी लड्डू को बना के तैयार कर लेंगे। वाकई में बहुत ही ज्यादा परफेक्ट और दानेदार डिलीशियस लड्डू बनके तैयार हुए हैं। तो है ना इसे बनाना बहुत आसान। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये लड्डू बनाइए और गणेश जी को लड्डुअन का भोग लगाइए, क्योंकि उनको लड्डू बहुत पसंद है। गणेश चतुर्थी आने वाली है, तो मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर से कर दीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। लड्डू को इस तरह से पिस्ता से गार्निश कर देंगे, बिल्कुल ऑप्शनल है, ये मैंने ऐसे वीडियो बना रही तो गार्निश कर लिया है। और यहाँ पे देखिए मैं एक लड्डू आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने ज्यादा दानेदार बने ना लड्डू, और वो भी घर के नॉर्मल महीन वाले बेसन से। तो बहुत ही परफेक्ट लड्डू बनके तैयार हुए हैं। इस रेसिपी को आप ट्राई जरूर से करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। इसे बनाना बहुत आसान है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।